जिस समाचार की हम चर्चा करने जा रहे हैं यह अयोध्या से है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जो कि अपने विस्फोटक बयान और अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और उनसे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फाइव इंडिया में। आपने देखा होगा कि बीजेपी का एक जो व्यवहार, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार होता है अपने समर्थकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि हमेशा बीजेपी के बारे में चिंता करते हैं, उनको समर्थन देते हैं या एक उनके लिए माहौल बनाते हैं, बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई देता है। और बहुत ही जल्दी अगर कुछ 19-20 होता है तो कुछ व्यवहार में विपरीत लक्षण बीजेपी का दिखाई देता है। जल्दी बीजेपी जो है अपने समर्थकों के साथ विपत्ति की स्थिति में या विपरीत स्थिति में या उनके साथ किसी आपदा की स्थिति में पार्टी जल्दी खड़ी होती हुई नहीं दिखाई देती है और पार्टी को जल्द कोई ना कोई बहाना मिल जाता है कि आपके इस कारण से, आपके उस कारण से, आपके इस कारण से, मतलब तमाम तरह के बहाने भी बीजेपी को मिल जाते हैं। इसी तरीके का एक उदाहरण सामने आया जो कि जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। अयोध्या में बीजेपी की हार हुई है और इस हार के कारणों की पड़ताल करने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने दो मंत्रियों को अयोध्या भेजा और कहा कि जाइए आप इस हार की पड़ताल करिए कि अयोध्या में हमारे द्वारा या वहाँ की जनता में क्या चाहिए था, क्या नाराजगी थी, क्यों वहाँ से बीजेपी जीत न सकी, इस बात की पड़ताल करिए। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह वहाँ पर पहुँचे और वह गेस्ट हाउस में, अयोध्या के गेस्ट हाउस में बातचीत कर रहे थे वहाँ के IAS अधिकारी यानी कि वहाँ के जिलाधिकारी के साथ, प्रशासन के साथ वहाँ वह बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जो कि जिनको जानकारी मिली कि वहाँ पर इस तरीके की पड़ताल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, तो वह भी वहाँ पहुँच गए और वह मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। मंत्रियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रशासन पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा और उन्होंने बताया कि हार में प्रशासन की भूमिका बहुत ज़्यादा है और इस हार का ठीकरा उन्होंने प्रशासन पर फोड़ा। तो इससे वहाँ के जो जिलाधिकारी थे वह खड़े हो गए और इस विषय पर वो अपनी बात रखने लगे। इसी बीच में दोनों के बीच में तू तू मैं और बहस बहुत बढ़ गई। मैं कहता हूँ ठीक है, बहस बढ़ गई और कोई नई बात नहीं है। अगर पार्टी के आप समर्थक हैं, पार्टी के चाहने वाले हैं और पार्टी के बारे में अगर हित सोचते हैं और आपकी सरकार है और इस तरीके की अगर बहस होती है तो अगर गाली गलौज तक नहीं जाती है, मारपीट तक नहीं जाती है तो इसका वो स्वरूप नहीं होना चाहिए जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो होती क्या है कि दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है, बहस होने के बाद काफ़ी गर्मा गर्मी दिखती है और इसके बाद होता क्या है कि प्रशासन की तरफ से जो राजू दास को जो गनर मिले हुए थे और जो सरकारी सुरक्षा मिली हुई थी उसे वापस ले लिया जाता है। क्या आपसी दुश्मनी या आपसी बहस या आपसी पसंद नापसंद के आधार पर किसी की सुरक्षा तय होगी? यह बीजेपी में होता है और बीजेपी को इस विषय में सीरियसली सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। आप दूसरे पार्टी की सरकारों को अगर देख लीजिए तो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक कितना बढ़ चढ़ कर रहते हैं और हिम्मत नहीं होती शासन प्रशासन की या पुलिस वालों की कि उनके कार्यकर्ता से किसी तरीके से बदसलूकी कर सकें या उनके खिलाफ सोच भी सकें, ऐसा नहीं हो पाता है। चाहे सरकार समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, लेकिन हाँ जो कार्यकर्ता बीजेपी के होते हैं, समर्थक होते हैं, उनके साथ जरूर ऐसा होता है। और यही कारण है कि एक तरफ तो समर्थन मिलता है और दूसरी तरफ काफी लंबे समय के लिए फिर उनको वनवास भी काटना पड़ता है। तो बीजेपी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर कुछ बातें होती भी हैं तो आप पहले अपने समर्थकों के साथ खड़े रहिए। ठीक है, अगर उनसे गलती होती है तो उनको गलती के लिए चेतावनी दीजिए, उनको किनारे ले जाके समझाइए कि आप यह गलती कर रहे हैं और इस गलती के कारण पार्टी इस तरीके का निर्णय ले सकती है। लेकिन आप इस तरीके का समझाने और कुछ करने के बजाय अपने उस उन समर्थकों पर ही बरस जाते हैं या उनकी सुरक्षा या उनकी सुविधा में कटौती कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं। और इस तरह की कार्रवाई में अगर कोई पार्टी सबसे आगे है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कहीं ना कहीं जिस बात पर आप अपना सीना चौड़ा करते हैं यही बात आपकी पार्टी के अस्तित्व के लिए और विस्तार के लिए भी एक मतलब कि जहर का काम करती है, एक एक बहुत हानिकारक मतलब इसका प्रभाव होता है जिसको समझना चाहिए। तो
राजू दास की सुरक्षा वापस कर ले ली गई है, और वहां पर यह बताया गया है कि राजू दास ने बताया है कि कई बार उनकी शासन प्रशासन से इस तरीके की बहस हुई है। कई मुद्दे हैं, कई चीजें होती हैं जो प्रशासन की तरफ से जो कमियां रहती हैं, और कमियां रखने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन अगर राजू दास पर जान का खतरा है और उनको अगर धमकियां मिलती हैं, तो उनकी सुरक्षा नहीं हटाई जानी चाहिए। यह मेरी बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक और पार्टी के मुख्य ऐसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अपने प्रभाव से बातों को, निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी निर्णय को प्रभावित करते हैं, उन तक यह बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो राजू दास ने भी इस बात की शिकायत की है कि अगर प्रशासन ने सुरक्षा हटाई है और ऐसी स्थिति में, क्योंकि उनके साथ जान के उनके साथ खतरे रहते हैं, बहुत से उनको जान की धमकियां मिलती रहती हैं, अगर उनके साथ कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार होगा। अच्छा, प्रशासन को किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है कि आप किसके साथ किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, यानी कि प्रशासन को कहीं ना कहीं पार्टी से सह मिली हुई है, और यही कारण है कि राजू दास, जो कि एक जाने माने वहां के महंत हैं, पार्टी के पक्ष में बात रखते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और काफी बढ़ चढ़ कर अपनी बात रखते हैं, सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और ऐसे लोग जो सनातन और राष्ट्र के विरोध में बातें करते हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति की जान को खतरा होता है और वह स्वयं इस बात की तो सुरक्षा सुनिश्चित कर नहीं सकता, और ऐसा अगर खतरा होता है, तो वास्तव में इसके लिए प्रथम दृष्टया प्रशासन जिम्मेदार होगा, और दूसरे स्तर पर देखा जाए तो सत्ताधारी पार्टी, और वह पार्टी जिसके वह स्वयं समर्थक है। तो यह जो है एक सामान्य सी बात है जो कि सभी कहते फिरते हैं, और इसको सभी अनुभव में भी लोगों ने देखा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आप पश्चिम बंगाल ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि विधानसभा इलेक्शन के बाद वहां पर उनके अपने विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ क्या हुआ, और पार्टी ने कितनी उनकी चिंता की। तो यह पार्टी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, जिसको पार्टी को सुधारना चाहिए और सीखना चाहिए अन्य पार्टियों से, यहाँ तक कि कांग्रेस से सीखना चाहिए कि वह बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने समर्थकों के साथ किस तरीके से खड़ी होती है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस बात को आप अगर वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हो, हमारे हमारे वीडियो के चाहने वाले हो, और इस तरीके के बातों के समर्थक हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिकांश लोगों तक पहुंचाएं। राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ हम अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को जगाने का, और जो बहुत उपयोगी जो समाज और राजनीति से संबंधित है, अतीत और देश के गौरव से संबंधित जो बातें हैं, उनको हम लाने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों और रोचक प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।